हेलो दोस्तों, टेक्निकल आमिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मिस्टर बीन की कार का मोड इंस्टॉल करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ऐड ऑन में जाइए। ऐड ऑन में जाने के बाद यहाँ मिस्टर बीन मिनी का फोल्डर दिख रहा है ना, इसको उसके बाद GTA 5 मेन फोल्डर में जाइए। उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट X64 DLC पैक्स। मिस्टर बीन मिनी को फोल्डर को GTA 5 मेन फोल्डर के DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद बैक आ जाए। बैक आने के बाद यहाँ रीडमी का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसको ओपन कीजिए। पिन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको आइटम DLC पैक्स मिस्टर बीन मिनी आइटम दिख रहा है ना, इसको कॉपी कीजिए। उसके बाद बैक आ जाए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए, यस। उसके बाद मोड्स में जाइए। अपडेट RPF कॉमन डाटा। इसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद DLC लिस्ट XML का एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, इसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को पेस्ट कीजिए। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा। के बाद सेव कीजिए। बस दोस्तों इतना ही आपको करने का। चलो अब GTA 5 ओपन करते हैं। तो दोस्तों GTA 5 ओपन करने के बाद आप कौन सा भी ट्रेनर यूज कर सकते हो। आपको मैनुअली लिखना होगा। आपको लिखना होगा MRBEANMINI। एंटर कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो मिस्टर बीन की कार आ चुकी है। आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।